आज हम समय कार्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन। बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है, ठीक है। वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहली बात, दोनों एक साथ जब काम करते हैं तो 16 दिन में पूरा हो जाता है। ए का केवल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है, तो हमने मान लिया कि ए और बी, ठीक है, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से, यानी कि अगर बी बी की कार्य क्षमता एक है, ठीक है, स्पीड एक है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है। बी की कार्य क्षमता दुगनी है, वो ए की कार्य क्षमता दुगनी है बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से। अगर बी एक है तो ए दो है, ठीक है। ये आ गई इन दोनों की कार्य क्षमता, ए और बी की। ए की कार्य क्षमता दो, बी की कार्य क्षमता वह एक। अब इसके बाद देखते हैं, दोनों एक साथ काम करके, इस लाइन को नोट करिए, दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी की कार्यक्षमता इंटू 16 है। कार्यक्षमता में जब समय का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, कुल वर्क, ठीक है। ये सूत्र ही होता है, लिख लीजिए कहीं, टोटल वर्क इज इक्वल टू कार्यक्षमता गुणे समय। इसी से तीनों डेरिवेशन तीनों फार्मूले आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू 16 इज इक्वल टू, अब इस लाइन को जो हमें फाइंड आउट करनी है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ लिखेंगे ए इंटू कितने दिन, मीन्स हाउ मैनी डेज, ए इंटू डी, डी मीन्स डेज। अब ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए की दो है, बी की एक है, तो दोनों की कितनी हो गई, दो एक तीन, तीन गुणे 16 इज इक्वल टू, ए की कार्य क्षमता कितनी है, दो, दो गुणे डी। अब डी आप निकाल सकते हैं, 2 8 16, 8 3 24, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 24, ठीक है, बिल्कुल इजी है दोस्तों। दोनों की आपको कार्य क्षमताएँ फाइंड आउट कर लेनी है सबसे पहले, और फिर इसके बाद बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। हम इसमें विकल्प की सहायता से इस क्वेश्चन को करेंगे। हम मान लेते हैं कि बी अकेले उस काम को, पहला विकल्प लेते हैं, 30 दिन में कर सकता है। मान लेते हैं कि बी अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अगर 30 दिन में कर सकता है तो ए बी की तुलना में 10 दिन पहले कर सकता है, तो 10 दिन पहले कितना हो गया, 20। इसके बाद ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, ठीक है। ये दोनों हमें पता चल गया कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल करके कितने दिन में कर सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा सा तरीका है। इसको अगर आप निकालते हैं, दोनों मिल करके कितने दिन में कर सकते हैं, मान लीजिए अभी आपके पास नहीं है, कितने दिन में कर सकते हैं, अगर ये 12 आ गया, तो जो आपने विकल्प लिया है बी 30, तो आपका आंसर सही है। तो विकल्प की सहायता से कर सकते हैं, जैसे अब देखिए 20 और 30 दिन में दोनों करते हैं अलग अलग, अगर दोनों मिल करके काम करें तो 12 दिन आना चाहिए। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे, 20 और 30, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो ये आ गया 60, तो 20 3 60 और 30 2 60, ये ए की कार्य क्षमता, ये बी की कार्य क्षमता। अब हमें निकालना है दोनों का, ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो समय निकालना है, तो समय का सूत्र होता है कार्य बटे कार्य क्षमता, टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की 3 बी की 2, तो दोनों की मिला के 5, तो 5 से हमने भाग दे दिया, ये आ गया 12 5 60।
यानी कि दोनों मिल करके 12 दिन में समाप्त करेंगे। इसका मतलब जो आपने विकल्प लिया था कि बी इक्वल टू 30, तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, ठीक है। ए बी से 3 गुना काम कर सकता है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ए बी से 3 गुना काम कर सकता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि बी को हम मान लेते हैं 1 यूनिट। ए की कितनी हो गई, यहाँ लिखिए ए और बी, बी से 3 गुना, बी की 1 है तो ए 3 गुना काम कर सकता है, यानी बी 1 यूनिट करता है तो ए 3 यूनिट कर सकता है, ठीक है। ओके, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता, ए की 3 है और बी की 1 है, दोनों मिल करके किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ये तो 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 2/5 हिस्सा 9 दिन में करते हैं, तो एक काम पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो इसके लिए हमें ये क्या लाना पड़ेगा, 2/5 की जगह हम 1 भाग आना आ जाए यहाँ पर। और एक कब आएगा, जब दो, ऐसे आप हल कर लीजिए, 2/5 भाग 9 दिन में होता है, तो इसलिए 1 भाग कितने दिन में होगा, 1 भाग होगा 9/2/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 = 45/2, तो 1 भाग यानी पूरा काम 45/2 दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो दोनों मिल करके कितने दिन में करते हैं, 45/2 दिन में, ये क्लियर हो गया। ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 3:1, इतना क्लियर हुआ। अब बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको निकालना है। तो इस लाइन को लीजिए पहले, दोनों मिलकर ए प्लस बी की कार्य क्षमता गुणे समय, ये 45/2 दिन गुणे 45/2 इज इक्वल टू, ये लाइन हमने लिख ली बाएं पक्ष में, अब ये लाइन दाहिने पक्ष में लिखेंगे, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बराबर बी की कार्य क्षमता गुणे कितने दिन, डी, ए प्लस बी गुणे 45/2 और बी गुणे डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 1 है, तो 3 और 1 ये हो गए 4, तो 4 × 45/2 बराबर बी की है 1, तो 1 गुणे और डी, डी आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 × 2 = 4, 45 × 2 = 90, यानी डी बराबर कितना आ गया, 90 दिन। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कार्य क्षमता अगर आपकी निकल आए तो फिर बिल्कुल आसान हो जाता है। सूत्र आप लोगों को याद रखना है, कार्य क्षमता का सूत्र होता है, लिख लीजिए कार्य क्षमता इज इक्वल टू कार्य बटे समय। उसी से आप बना सकते हैं कार्य का भी सूत्र, कार्य क्षमता गुणे समय, समय का बना सकते हैं कार्य बटे कार्य क्षमता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी कि दोनों में कितने का अनुपात है, दोनों में है 3:1 का अनुपात, ये कार्य क्षमताओं में, ठीक है। बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो बी की हमने मान ली 1 है, ए की कार्य क्षमता 3 है। अब देखिए ये इनकी कार्य क्षमता है, तो समय कितना होगा, कार्य क्षमता का विपरीत होता है समय, हमेशा याद रखिएगा। अगर कार्य क्षमता 3:1 है तो समय होगा 1:3, समय लगेगा 1:3। ये टीम है
टी है ये वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, ठीक है। वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। वह, अब देखिए टाइम हमको पता है, ए का टाइम है 1 यूनिट और बी का टाइम है 3 यूनिट, ये दोनों का टाइम है। इन दोनों में जो डिफरेंस है 60 दिन कम में करता है ए बी की तुलना में, एक बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 2 यूनिट, ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 60 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 यूनिट, यानी 30 का डिफरेंस, यानी कि 30, तो ये 30 एकम 30 और 30 दिया 90, ठीक है। यानी कि ए का जो टाइम है, ए का टाइम 30 है, बी का टाइम 90 है। अब देखो इन दोनों में 60 का डिफरेंस है, वो कह रहा है एक एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, तो ये 60 दिन कम में ही, ए 30 दिन में करता है, बी 90 दिन में करता है, 60 दिन कम है, 90 माइनस 30 बराबर 60। अगर ऐसे नहीं करना है तो ये देखिए समय है 1:3, तो ए का समय हो गया एक्स, बी का समय हो गया 3x, ठीक है। अब वो कह रहा है ए एक्स बी की तुलना में 60 दिन कम, तो यानी 3x माइनस 60। अब इस तरह हल कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये 2x बराबर 60, तो ये x बराबर 30। अब 30 की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये 30 और 30 दिया 90, वही तरीका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कार्य क्षमता तो आ गई थी 3:1, समय आया था 1:3, तो वो एक काम को, ए किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, यानी ये 30 दिन में ए और बी 90 दिन में, ये टाइम है, ठीक है, ए 30 दिन में और बी 90 दिन में। अब ये आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है पहले से कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी किसी काम को 90 दिन में, तो दोनों मिल करके कितने दिन में ख़त्म करेंगे, वही पूछ रहा, दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसका तरीका यही है कि दोनों की कार्य क्षमता निकाल लीजिए, है ना। तो ये कैसे निकलती है, 30 और 90, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 90 और 30 दिया 90, 90 एकम 90, ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई, और आपको दोनों का निकालना है काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, तो समय निकालना है, तो समय का सूत्र होता है कार्य बटे कार्य क्षमता, तो टोटल वर्क कितना हो गया 90, और बटे कार्य क्षमता दोनों की कितनी हो गई, 3 और 1 4, अब 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 22.5, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर इतना सब कुछ सॉल्व करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको याद रखना है जब डेज पूछे जाएं तो टोटल वर्क सबसे ऊपर रखते हैं और बटे कार्य क्षमता रखते हैं, जिसकी पूछी जाए, दोनों की पूछी है तो दोनों की कार्य क्षमता नीचे रख देंगे, एक ही पूछता तो एक ही कार्य क्षमता नीचे रख दे, बी की पूछता तो बी की रख देते, दोनों की पूछा तो दोनों की जोड़ के रख देंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह है, हमने इसलिए लिया कि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पी की कार्य क्षमता क्यू से 3 गुनी है, तो P की कार्य क्षमता 3 से Q से 3 गुनी है, तो ये आ जाएगा 3:1 कार्य क्षमता हो गई, समय 1:3 हो गया, ये T हो गया, ये WE वर्क क्षमता हो गई। अब P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, यानी जो 48 दिन पहले समाप्त कर लेता है Q की तुलना में, तो अगर ये 48 दिन पहले हो जाता है तो ये मान लीजिए कि समय एक्स है, ये 3x है, तो ये पी एक्स और क्यू से यानी 3x से 48 दिन पहले समाप्त हो जाता है, फिर ये बचेगा 2x बराबर 48, यानी कि x बराबर 24 आ जाएगा, x बराबर 24। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो 24 और 24 दिया 72, 24 और 24 दिया 72। अब ये देखिए पी 24 दिन में करता है, क्यू 72 दिन में, वो कह रहा था ना पी क्यू की तुलना में 48 दिन पहले, अब 72 में से 24 घटाइए तो 48 ही आएगा। तो देखिए कार्य क्षमता 3:1 है ही है, आपको दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो समय पूछ रहा है, तो
टोटल वर्क ऊपर रखेंगे, टोटल वर्क वही होता है एलसीएम। तो 2472 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। और बटे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता ये दिया ही है, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 1 है, तो दोनों मिल करके यानी दोनों की कार्य क्षमता 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 18 चौक 72, तो आंसर क्या आ गया, 18 डेज आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मेन है इसमें कार्य क्षमता तो सब कर लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर है थोड़ा सा ये पी किसी क्यू की तुलना में 48 दिन पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए किसी काम को ख़त्म करने में बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो दोनों तरफ ए और बी लिखिए, एक साइड ए एक साइड बी। अब वो कह रहा है कि बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, कौन, ए, ए आ लेता है 50% अधिक समय। तो बी का हमने मान लिया कि 100 है, तो ए 150, ठीक है, परसेंट अधिक समय लेता है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 5 3 15 5 2 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला ए का कितना निकाला, 150, बी का 100, तो ये 3:2, यही तो निकल के आया, 5 3 15 5 2 10। ये क्या निकल के आया, समय अधिक लेता है, ये क्या निकल के आया, टी। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू ई, कार्य क्षमता समय का विपरीत होती है, तो अगर समय 3:2 है तो कार्य क्षमता 2:3 होगी, ठीक है। ये हो गया, अब दोनों मिलकर के 18 दिन में ख़त्म करते हैं उस काम को, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो यही भाषा लिखिए, दोनों मिल करके उस काम को 18 दिन में करते हैं। तो अब देखिएगा यहीं से समझने वाली आवश्यकता है, बहुत है तो बहुत इजी, बस इस लाइन को समझ लीजिए कि दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी गुणे 18 बराबर, अब इसके बाद लास्ट वाली लाइन लीजिए, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी गुणे डी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब देखिए ए और बी ये कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता हम निकाल चुके, ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 3, तो यहाँ पर रख दीजिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता यानी 3 और 2 5, 5 × 18 बराबर बी की कार्य क्षमता यहाँ 3 × D, तो 3 6 18 और 6 5 30, यानी ये 30 डेज आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब ये या थोड़ा सा लड़के बच्चे क्या भूल जाते हैं स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो समय का अनुपात आया था 3:2, वो सोचते हैं यही कार्य क्षमता है जल्दबाजी में, क्योंकि हर क्वेश्चन में कार्य क्षमता आ रहा था कि इतने परसेंट अधिक कुशल है, तो वो कार्य क्षमता थी। अब यहाँ कह रहा है कि इतने परसेंट अधिक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, समय अधिक लेता है, तो ये समय आदि है, कार्य क्षमता विपरीत हो जाएगा इसका। फिर जो कह रहा है एक लाइन उसको लीजिए राइट हैंड साइड में, जिस लाइन को पूछा जा रहा है, यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये राइट हैंड साइड में रखिए, बी इंटू डी। एक लाइन ऐसी लीजिए जिसके आंकड़े पूरे दिए हुए हैं, उनको रखिए LHS में, कि दोनों मिल करके उस काम को 18 दिन में करते हैं, ए प्लस बी गुणे 18, यानी कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता गुणे समय, कार्य क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। तो यहाँ पर LHS में ये टोटल वर्क और RHS में भी टोटल वर्क ये हमने निकाल लिया, तो कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुणे समय, ए प्लस बी की कार्य क्षमता गुणे समय 18, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 30 डेज आया। इसके बाद ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको भी, ए बी सी ने 1800 रुपये का एक काम ख़त्म किया, ठीक, ए ने 6 दिन तक काम किया, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन,
यदि उनकी दैनिक मजदूरी यानी एक दिन की मजदूरी, ए की एक दिन की मजदूरी 5, बी की 6, सी की 4, तो एक दिन की मजदूरी है ये और उन्होंने 6 दिन काम किया, तो 6 का गुणा 5 में करेंगे, 4 का गुणा 6 में करेंगे, 9 का गुणा 4 में करेंगे, तो ये हो गया कुल उनकी मजदूरी निकल आएगी। एक दिन की मजदूरी इतनी है तो 6 दिन की मजदूरी, 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 4 छंग 24, और ये हो जाएगा 9 चौको 36। ठीक, अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 15 12 और 18, फिर 3 से कर दिए, 3 पचे 15 और 3 चौको 12, 3 छंग 18, यानी कि कुल मिला करके ये आ गया 5 4 6, कितना आ गया, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 छंग 36, 5 4 6। ठीक है, ये कुल मजदूरी का इनका अनुपात आ गया है 5 4 6, ए बी सी का, ये बी और ये सी। अब ए को कितना रुपए प्राप्त हुआ, ए का हिस्सा हमें निकालना है, तो ए का हिस्सा ऊपर रखेंगे और बटे टोटल सब का मिला के, ए प्लस बी प्लस सी, और गुणे कुल धन। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 5 4 6 याद रखिएगा, 5 4 6, ए का हिस्सा निकालना है आपको, तो ए का हिस्सा कितना है 5, 5 बटे कुल टोटल कितना हुआ, 5 4 9 6 15, और गुणे 1800। इसके बाद 5 3 15, 3 छंग 18, यानी 600 रुपये ए को मिलेंगे, ये आ गया 600 रुपये। कोई कठिन नहीं था, उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया था और उन्होंने कितने कितने दिन काम किया ये दिया था, तो हमने कुल मजदूरी निकाल ली मल्टीप्लाई करके, कुल मजदूरी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब ए को कितने रुपए मिले, यानी कि ए को कितनी मजदूरी मिली, वही पूछ रहा है, तो ए की मजदूरी बटे सभी की मजदूरी गुणे कुल धन, यही फार्मूला है, अनुपात बटे अनुपाती योग गुणे कुल योग। तो ए का हिस्सा ऊपर रख दीजिए और डिवाइड बाई तीनों का कुल टोटल हिस्सा, 5 4 6, तीनों को ऐड करके, और गुणे कुल धन। ठीक है, तो ये 600 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।